एक मिनट आप वहाँ जाइए, एक मिनट वहाँ चले जाइए, तो बीच में श्रद्धा जाइए, श्रद्धा वहीं बैठ जाइए। नारियल के आप चिराग पासवान जी की बहन हैं, बड़ी बहन हैं। चिराग जी की अभी तक शादी नहीं हुई है, आप लोग क्या मतलब आज पूरे परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या आप लोग की तरफ से कुछ? बहुत ही अच्छा पूछा है तुमने और बोला भी सही है कि भाई की शादी नहीं हुई है, लेकिन कहीं भी कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो अभी नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है अगले समय जब भी वो आएंगे नेक्स्ट टाइम, तो मुझे लगता है साथ में आएंगे, और आप साथ में अगर रहोगे तो मुझे भी देखोगे और भाई को भी देखोगे। जब भी चिराग जी से शादी को लेकर बात करती है मीडिया, तो हमेशा बचते हुए नजर आए। आज भी मैंने पूछा तो हाथ जोड़ लिया इन्होंने,
तो आज परिवार के बीच में है। कहते हैं कि भाई बहन का बात कभी नहीं टालता है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इन बातों को मीडिया में लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऐसी बात क्योंकि इसलिए क्योंकि ये इनकी पर्सनल है लाइफ स्टोरी और ये हमारी फैमिली मैटर की बात है। तो क्या है कि जब भी अगर शादी भाई की होगी तब अगर मीडिया वाले अगर आके पूछे कि कैसा फील कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये ज्यादा बेटर होगा। बात ऐसी है ना कि चिराग जी को सब लोग बहुत पसंद करते हैं, तो इनकी शादी का इंतजार भी सबको है, बिहार वासी को है, सबको है। इसीलिए तमाम जो हमारे व्यूअर्स होते हैं बिहार वासी होते चाहते जानना चाहते हैं कि चिराग जी शादी कब कर रहे हैं। इसीलिए आज सही कहा तुमने, क्योंकि सभी लोग जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, तो मुझे लगता है कि जल्दी सभी लोगों को मिल जाएगा इसका आंसर। और कहना ये भी चाहूँगी कि लाइन में तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो उन्हें भी पसंद आना चाहिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनके लेवल की भी एक लड़की होनी चाहिए जो उन्हें समझ सके और वो उनको समझ सके, है ना। इस पे चिराग जी से पूछेंगे इनका क्या। अच्छा, ये चिराग जी की सबसे बड़ी बहन है, इनसे हम बात करेंगे। चिराग से पहले पूछिए। देखिए अब दी नहीं जवाब दे रही तो हम कैसे दें, बताइए। अब बताइए, अब जब दी ही जवाब नहीं दे रही तो हम इसका जवाब कैसे। हाँ, बस लाइन में लगे हुए हैं, खोज रहे हैं कुछ अच्छी लड़की, जब मिल जाएगी तो शादी हो जाएगी। बस अच्छी लड़की की तलाश है जो इसको समझे, परिवार वाले को समझे, हम लोग को भी समझे, हमको समझे ना समझे, इनको समझे, परिवार को समझे। सबसे हाँ सही बात है, सबसे पहले परिवार वाले को समझे, फिर शादी। तो चिराग जी का जवाब भी मिल गया कि आशीर्वाद है, बहुत जल्दी ही मतलब खबर सुनने में आएगा आपको कि इनकी शादी होने वाली है। तो आपने देखा कि मीडिया में काफी लोग देख रही हैं कोई भी गर्ल्स, तो अपना रिज्यूम एक बार यहाँ पे डाल दे। मैं चाहती हूँ एक बार मैं भी देखूँ कितने लोग आ रहे हैं और भी, है ना। तो हमारे व्यूअर्स देख ही रहे होंगे, ऐसे भी पटना की तमाम लड़कियाँ जो है चिराग पासवान की बहुत बड़ी फैन भी है, काफी ज्यादा लोग इन्हें पसंद भी करती है, लड़कियाँ बहुत पसंद करती है चिराग पासवान को। तो एक बार चिराग जी से भी जाना चाहेंगे। चिराग जी, परिवार वाले चाहते हैं आप शादी कर लें, क्या कहना, आप कुछ सोचे होंगे इस चीज़ को लेकर, आगे लंबी जिंदगी है, कुछ तो सोचे होंगे। देखिए अभी ईमानदारी की बात है, मैं बहुत खैर हंसी मजाक एक तरफ, पर हकीकत यह है कि आज की तारीख में मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं। पापा के छोड़े हुए बहुत अधूरे कार्य बाकी हैं, परिवार की जिम्मेदारियाँ मुझ पर और ज़्यादा अब बढ़ जाती हैं, जो कि हाल फिलहाल के महीनों में जो एक नई पारिवारिक परिस्थिति घर में उत्पन्न हुई है, उसके बाद परिवार की और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, मदर हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, उनके आगे बच्चे हैं, और घर का सबसे बड़ा लड़का होने के नाते ये तमाम जिम्मेदारियाँ भी मेरी हैं। पार्टी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरी पार्टी में विश्वास रखने वाले करोड़ों लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और सबसे बड़ा जो संकल्प बिहार को विकसित बनाने का जो मेरे नेता मेरे पिताजी मुझे देकर गए थे, उसको पूरा करना मेरी प्राथमिकता है, मेरा लक्ष्य है। इसीलिए ईमानदारी से बोलूं, जब ये सवाल मुझसे पूछा भी जाता है तो मैं सहज नहीं होता हूं, क्यों, क्योंकि मेरा ध्यान ही अभी इस तरफ नहीं है। मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रिश्तों से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियां अभी इस वक्त मेरे कंधे पर हैं, मेरे जहन में हैं, पहले उनको पूरा कर लूँ फिर आगे की राह देखी जाएगी। तो छठ महापर्व के बीच में एक हंसी खुशी का जो पल होता है वो हमने चिराग जी के साथ यहाँ पर उनके परिवार के साथ आपके साथ साझा करने की कोशिश की। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आप देख रहे हैं IBTV श्रद्धा सुमन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।